बहुत बड़ी सैलरी नहीं चाहिए कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए, आपको बजटिंग और डिसिप्लिन चाहिए। सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का एसके फिनोमेट में स्वागत है। दोस्तों अक्सर मैं देखता हूँ बहुत आदमी लोग जो है बोलते हैं 20-30 हजार रुपए की सैलरी के अंदर क्या तो हम जिए और क्या उसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको ऐसा रास्ता दिखाऊंगा उसके द्वारा आप डिसिप्लिन वे में अच्छी लाइफ भी जी सकते हैं और आने वाले दिनों में तो और अच्छी लाइफ बन जाएगी। आज अपने जो भी सैलरी पा रहे हैं समझ लीजिए 25-30 हजार रुपया, उसको अपने 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहली चीज बेसिक नीड्स, जो कि रोटी कपड़ा और मकान जिसको बोलते हैं उसके अंदर, वो तो अपने को करना ही पड़ेगा। दूसरा है वांट्स। दोस्तों अगर आदमी सिर्फ खाया पिया चला गया तो क्या माने रखता है, इसलिए अपने आदमी की जो ख्वाहिशें होती है उसके ऊपर भी खर्च अभी भी करना है। और पैसा जमा करके ऐसा नहीं हो कि जमा ही करते रह गए जब तक बूढ़े हुए, पैसे तो आपके पास बहुत हो गए लेकिन न मुंह में दांत है न अपने पांव में चलने की ताकत है, वो पैसा का क्या करेंगे। तीसरा है इन्वेस्टमेंट, जो पैसे अपने को जमा करने हैं अपने भविष्य के लिए, जहाँ पर अपने को अपने लिए घर खरीदना है, अपने बच्चों की ऊंची पढ़ाई है, उनके शादी ब्याह है, अपना बुढ़ापा है, रिटायरमेंट की लाइफ है, उन सब के ऊपर अपने उनके लिए सेविंग करेंगे। वांट्स के अंदर जैसे अपने को अच्छा फोन खरीदना है, वेकेशन पे जाना है, या अपने आउटिंग करके कोई अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खा के आना है, इस तरह की बात। तब अपने सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, अपनी जो सैलरी है उसको 3 भागों में जो अपने डिवाइड कर रहे हैं, बेसिक नीड में समझ लीजिए अपना 50% ऑफ द सैलरी, वांट्स के लिए 30% ऑफ द सैलरी और इन्वेस्टमेंट के लिए 20% ऑफ द सैलरी, अपने एक मोटा मोटा हिसाब बना लेते हैं। अब जो बेसिक नीड्स है उसके अंदर जैसे अपने खाना हो गया, रेंट है, अपने कपड़े हैं, नेट्स है, टेलीफोन है, ये सब के जितने भी खर्चे हैं वो सारी बेसिक नीड्स है जो कि अपने को करना ही पड़ेगा। अब वांट्स में समझ लीजिए अपने को कोई बाइक कार लेनी है, या फिर अपने को अपना जो घर बनाना है उसकी ईएमआई के लिए पैसा है, और वेकेशन पे जाना है, तो इन सब के लिए अपने 1,000 रुपया 2,000 रुपया 3,000 रुपया जैसे जैसे जिसमें आपका शौक ज्यादा है उसके अंदर एलोकेशन ज्यादा करना है, वो जो 30% ऑफ द सैलरी है उसमें से। इन्वेस्टमेंट का जो 20% पार्ट जो रहता है वो चूंकि लॉन्ग टर्म है, अब इसके अंदर भी क्या है अपना अपना एपेटाइट है, रिस्क उसके हिसाब से। देखिए सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड में ही होता है। आप समझ लीजिए 65% जो है आप अपना जो लार्ज कैप है उसके अंदर लगाएं, जो 20% करीब है उसके अंदर मिड कैप के अंदर जा सकते हैं, उसके अंदर रिटर्न अपने 10-15% के आसपास बैठ जाती है। स्मॉल कैप जो है सबसे ज्यादा वैसे वोलेटाइल है, रिस्की है, लेकिन लॉन्ग टर्म भी हो तो इससे अच्छा रिटर्न कहीं नहीं मिलता है, 18% के प्लस की रिटर्न आ जाती है। ऑन एन एवरेज ये समझ लीजिए लार्ज कैप में जहाँ 12% का रिटर्न आता है, ओवरऑल आप देखेंगे तो 13% प्लस का रिटर्न आ जाता है। और इसके अंदर क्या है अपने बहुत सारे खाब जो है इसी से पूरे होने हैं। आजकल एक नई कैटेगरी भी है वो है फ्लेक्सी कैप, अगर आप और सब जमीनों में नहीं जाना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप में भी लगा के रख सकते हैं। फर्स्ट जो 10 ईयर है आपके सर्विसेज के उसके अंदर जो है आपने मोर और लेस आप समझ लीजिए 10% करीब की आपको ग्रोथ मिलती है। तो जैसे आपको ग्रोथ आती है उसके अंदर क्या है फर्स्ट टाइम जो आपने जो रेशियो डिसाइड किए हैं 50-30-20 का, उस सेम रेशियो में इंक्रीमेंटल अमाउंट को नहीं डिवाइड करना है, क्योंकि जो बेसिक नीड्स है वो अपने हिसाब से रहती है। फिर आगे जाके अपने इसको 1/3 1/3 करके करेंगे, बेसिक नीड में 33%, वांट्स में 33% और इन्वेस्टमेंट में 33%, इस रेशियो से ही अपने को बढ़ाना है। ये जो है एक डिसिप्लिन तरीका है। 10 बरस के बाद आप देखेंगे जो आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट जो है उसके अंदर इतना रुपया इकट्ठा हो जाएगा कि आप घर लेने का भी सोच सकते हैं। अभी जहाँ भाड़े में रह रहे हैं तो आप क्या है उसका जो डाउन पेमेंट करने का जो अमाउंट है वो वहाँ पर रेडी हो जाएगी और आराम से आगे का रुपया ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपका अपना फ्लैट भी हो जाएगा। आप अगर और थोड़ा लेट से लेना चाहें तो 15-20 साल की जो बाद में जैसे समझ लीजिए आप 22-23 साल 24 साल की उम्र में अगर चालू किए नौकरी, उस टाइम तक तो 100% जो है इतना अच्छा अमाउंट आपके पास क्रिएट हो जाएगा कि डाउन पेमेंट देकर भी ज्यादा अमाउंट आप डाउन पेमेंट दे पाएंगे और अपना घर क्रिएट कर पाएंगे और पक्का से करोड़पति भी बन जाएंगे। मेन चीज क्या होती है आदमी को बजट बना के डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल सकती है। स्वस्थ रहो मस्त रहो और कम पैसों के अंदर भी आप अपनी जिंदगी कंफर्टेबल बना सकते हो।